यूरोप जाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और अपना मुस्तकबिल बनाना, अपना करियर को ब्राइट करना हर किसी का ख्वाब होता है। तो आज मैं ऐसे विषय के ऊपर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ जहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है फ्री। आप लोगों को वीजा फ्री मिलेगा, आपको हर चीज फ्री मिलेगी। और ये कौन सा वीजा है, आज मैं आप लोगों के साथ उस वीजे के लिए बात करने जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, मुस्तकबिल बनाने वाली वीज़ा है, और ये है कि आप लोगों का अच्छा करियर बन सकता है, अपनी फैमिली को सेटल कर सकते हैं, अपना ख्वाब ब्राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि आप लोग इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की जाने और बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ मानोर और आप लोग देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल मानोर 444 विलो। तो आज हम लोग ऐसे वीज़े के लिए बात करने जा रहे हैं जो कि कनाडा का वीज़ा है, और वहाँ पे आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी बातें ए टू जेड मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्लियर बताने जा रही हूँ। ठीक है, कोई फेक नहीं है, रियल बात है, और ये है कि आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कनाडा की। कनाडा 70+ एलिटेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, क्वालिफिकेशन इसमें नहीं चल, ठीक है। इसमें प्रोग्राम नेम है, सबसे पहले यहाँ पे आता है कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम पहले नंबर पे, ठीक है। वो कहलाता है न्यू ब्रंचिक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, पहला ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैं बात करती हूँ। ये दे रहे हैं, ये कंपनी आप लोगों को दे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीज़ा फ्री दे रही है, आप लोगों को टिकट फ्री दे रही है। सेकंड, इसके लिए आप लोगों को किसी एजेंट की नीड नहीं है। एजेंट के थ्रू 70,000, 20,000, 30,000 CV बनाने के और कवर लेटर बनाने के जो एजेंट हैं वो आप लोगों से लूट लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि आप लोग इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आप लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको कंपनी देगी अगर आप लोगों का अप्रूवल आ जाता है तो। अच्छा, बात करते हैं इस कंपनी की। तो ये कंपनी जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है। आप लोग इसकी ऑफिशियल पेज के ऊपर, साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अप्रूव है। और सेकंड, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैनेडा की तरफ से आप लोगों को 5 साल के लिए वैलिड है ये कंपनी, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट से लॉन्च हैं, कुक एग्रीकल्चर हैं पहली, सेकंड आपकी है एग्रीकल्चर। पहले हम लोग कुक एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या, ये किस टाइप की कंपनी है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो मैं बात करती हूँ इसमें कौन कौन सी जॉब्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ये कंपनी है फार्मिंग से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर, और सेकेंड है स्टोर कीपर, थर्ड है अकाउंटेंट की ऑनलाइन जॉब आप कर सकते हो। इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस कंपनी के लिए। ये है फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड पे आ जाता है ग्रुप सीओ। अब यहाँ पे ये कंपनी क्या हमें देती है और ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगल से ये कंपनी लकड़ियाँ काटती हैं और उसके बाद इस लकड़ी से वुड की डिफरेंट डिफरेंट सी मैन्युफैक्चर करती हैं ये कंपनी, ग्रुप सीओ। उसके बाद है थर्ड नंबर पे ग्रुप वेस्टको, ये कंपनी पॉटरी से रिलेटेड है जो कि मुर्गियों की ब्रीड और एग सप्लाई और जो मतलब फार्मिंग से रिलेटेड आ जाती है। फार्मिंग नहीं कहलाई जा सकती, पॉटरी फॉर्म, मतलब पॉटरी फॉर्म जो मुर्गियां शुर्गियाँ जो कहलाई जाती हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर के ऊपर है इंपीरियल मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसमें, ये रिलेटेड आप लोग इजीली जॉब अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो आप लोगों की स्किल है। JID 5, JID अराइविंग, एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड काम कर सकते हैं ये कंपनी करती है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे आती है मुकेन फूड, इसके अंदर ये कंपनी देती है फ्रोजन फूड, आप लोग यहाँ पर भी अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं जॉब जो आप लोगों के स्किल्स हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए आप लोगों को पैसा 1 रुपया नहीं देना, यहाँ पे बगैर पैसों के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा फ्री है। अच्छा, इसके लिए मस्ट है आईलेट, आईलेट आप लोगों के लिए मस्ट है। देखिए, अगर आप लोगों ने आईलेट नहीं भी किया इट्स ओके, इतनी इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश मुल्क है और वहाँ पे अंग्रेज मतलब ममालिक
अंग्रेज लोग रहते हैं और आप लोगों को तकरीबन इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप लोग हैंडल कर सकें, आगे इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश समझ सकें। अब बात करते हैं एजुकेशन पे। अगर आप लोगों की एजुकेशन नहीं है तो इट्स ओके, आप लोग अपने हिसाब से जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों को मैंने पहले बताई है, ठीक है। अगर आप लोगों की एजुकेशन है, एजुकेशन टू एजुकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को डिग्री अपनी दिखानी पड़ेगी। सेकंड, फॉरेन कंपनी से आप लोगों को रजिस्टर्ड होना चाहिए। थर्ड, आप लोगों को अकाउंट्स के लिए, अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, मैनेजर के लिए करते हैं, ड्राइवर के लिए करते हैं, शॉपकीपर के लिए करते हैं, और इसके लिए आप लोगों को CV मस्ट है कि आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आप लोगों ने CV नहीं बनाई हुई तो आप लोग किसी अपने फ्रेंड को कह के, अगर इतने एजुकेटेड नहीं है, अपने फ्रेंड को कहकर आप लोग CV बना सकते हैं। उसके अलावा CV के अंदर आप लोगों को अच्छी सी CV बनानी है, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, और आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जॉब एक्सपीरियंस लिखना है। उसके अलावा आप लोगों ने एक कवर लेटर तैयार करना है। कवर लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोफेशनल तरीके से कवर लेटर बनवाना है, कवर लेटर आप लोग किस तरीके से बनवाएंगे, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिखना है, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है वो सब आपने इसके अंदर लिखना है। अच्छा, एक्सपीरियंस के अंदर आप लोगों की क्वालिफिकेशन आ जाती है, इंटर है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, जो भी आप लोगों की है वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट पे बात आती है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करना सिखाती हूँ। ज़्यादा लेंदी वीडियो इसलिए नहीं बनाती, जल्दी जल्दी आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लोग कहते हैं शॉर्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी से अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि कौन सी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले ओपन किया है गूगल। गूगल ओपन करने के बाद ये आप लोग देख रहे होते हैं न्यू प्रीव्यू क्रिटिकल वर्कर और पायलट प्रोग्राम, आप लोगों ने सबसे पहले ये टाइप करना है। मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो इसलिए मुझे लिखने की नहीं पड़ी। इस तरह का आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस शो होने के बाद आप लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे को जाएंगे। नीचे को जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं canadavisa.com, ठीक है, इस पर आप लोग अप्लाई करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये आप लोगों के सामने साइट ओपन हो गई है, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, कुक एग्रीकल्चर ग्रुप सेवियो, ये सारी, ये 1 2 3 4 5 6 कंपनीज यहाँ पे आप लोगों के सामने मेंशन हो रही है। अब यहाँ पे आप लोग स्टडी करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग इजीली अप्लाई करेंगे जिस फील्ड के लिए आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिस कंपनी के अंदर आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये गवर्नमेंट से लॉन्च है और इस पे आप जाकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोगों ने वहाँ से जाकर इजीली ओपन करना है और स्टडी करना है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा एक लाइक करना है, लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब के साथ साथ अच्छा सा एक कमेंट भी करना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे लिए भी फायदा और आप लोगों के लिए भी फायदा। मेरे लिए ये फायदा है, मैं अच्छी अच्छी अपडेट्स, वीजा गाइड्स और जॉब्स अपडेट आप लोगों के लिए लाती रहा करूँगी, और आप लोगों के लिए ये फायदा है, आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह।